मैं हूँ स्नेहल प्रधान, फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर. आप देख रहे हो हैशटैग क्रिकेट विद स्नेहल पे आस्क स्नेहल. और छाता खोल के रखा था मैंने क्योंकि सिडनी में हूँ और बहुत बारिश हो चुकी है सेमीफाइनल से पहले. विल वी गेट अ गेम? लेट्स डिस्कस दैट और बाकी सारे आपके सवाल विमेन्स T20 वर्ल्ड कप के बारे में. क्वेश्चंस इनवाइट किए थे यूट्यूब कम्युनिटी टैब पे और मेरे ट्विटर पे. तो वहां पे अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसे जरा दबा देना. और थोड़ा डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा ट्विटर हैंडल आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम फेसबुक भी, वहां पे फॉलो करना. और अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऑस्ट्रेलिया में होके इंडोर्स क्यों शूट कर रही हूँ इतने सुंदर कंट्री में, दैट इज बिकॉज आई वॉज आउटडोर्स फिल्मिंग फॉर यू गाइज. तो अगर आपको एक SCG का मिनी ब्लॉग देखना है तो ये टाइमिंग पे आप आगे जा सकते हो या फिर स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ द वीडियो. क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम आर्य घाई. इन्होंने पूछा है कि वॉट फैक्टर्स मेक इंडिया द नंबर 1 कम्पिटिटर. बिल्कुल, मैंने इस टूर्नामेंट से पहले आई वॉज नॉट श्योर कि वेदर इंडिया विल मेक इट आउट ऑफ द सेमीफाइनल्स, मेक इट आउट ऑफ द ग्रुप स्टेज एंड इन टू सेमीफाइनल्स, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया तीनों एक ही ग्रुप में थे. मगर वॉट हैज़ मेड अ डिफरेंस हैज़ बिन ए, इंडिया के स्पिनर्स, और बी, ये टूर्नामेंट बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन सीजन के आखिर में खेला जा रहा है. तो पिचेस थोड़े से टायर्ड है और थोड़े से स्लो है, इसलिए स्पिन इज कमिंग इन टू द फैक्टर मोर. दैट्स वाई इंडिया आर अ बिगर थ्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम चाय का दीवाना ऑन ट्विटर. इन्होंने पूछा है कि इफ यू आर लीडिंग द इंडियन साइड, व्हाट विल बी योर इमीडिएट कंसर्न एंड हाउ विल यू टैकल इट. मेरा इमीडिएट कंसर्न होगा मिडिल ऑर्डर, क्योंकि हमने देखा है कि आफ्टर जमीमा, हरमन, स्मृति एंड शफाली, बैटिंग ऑर्डर इतनी डिपेंडेबल नहीं है. दे हैव कम गुड एट द राइट टाइम. दीप्ति ने रन्स बनाए हैं, वेदा ने एक मैच में रन्स बनाए हैं, मगर क्या हम इन बैटर्स पे बिल्कुल डिपेंड कर सकते हैं? नहीं. व्हाट आई वुड डू गोइंग फॉरवर्ड कि स्पेशली दीप्ति शर्मा, जो एक बहुत ही बढ़िया स्वीप खेलने वाली खिलाड़ी है, मगर उनको मैं चैलेंज करूंगी कि आप और भी शॉट्स से रन्स बटोरो. वेदा कृष्णमूर्ति का शायद ये टूर्नामेंट एक करियर डिफाइनिंग टूर्नामेंट रह सकता है, तो मैं उनको चैलेंज करूंगी कि आप रिस्क और रिवॉर्ड को कैसे बैलेंस कर सकते हो आपके स्टेज पे, क्योंकि आपको लंबा भी खेलना है, नॉट आउट भी रहना है, मगर रन्स भी बटोरने हैं. और आई वुड ग्रूम वन ऑफ आर ऑलराउंडर्स एज अ प्रॉपर बैट. राधा यादव ने दिखाई है बैटिंग कर सकती है, शिखा पांडे कर सकती है बैटिंग. बैटिंग टैलेंट तो बहुत है पर उनको आगे मौके नहीं मिलते हैं. आई विल गिव देम मोर प्रिपरेशन और मिडिल ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है होपफुली इट कैन बी सॉल्व एट सम पॉइंट. यूट्यूब पे पार्थ बख्शी ने पूछा है कि इज द इंडियन टीम टू डिपेंडेंट ऑन स्मृति मंधाना. अब स्मृति के इस टूर्नामेंट में स्कोर्स ज्यादा नहीं है, फिर भी इंडियन टीम हैज डोमिनेटेड द टूर्नामेंट, इंडियन टीम हैज रिमेन अनबीटन एंड आर इन द सेमीफाइनल. तो आंसर यही है कि अब इस ये इंडियन टीम ने दिखाया है, स्पेशली शेफाली वर्मा के परफॉर्मेंसेस के वजह से, कि वो एक टू बैटर टीम नहीं है. इवन इफ स्मृति, उनका हाई स्कोर इस टूर्नामेंट में 17 है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सेमीफाइनल में शी विल कम गुड. एंड ये टीम ने दिखाया है कि और भी ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आपको आउट करना पड़ेगा. इट इज़ नॉट जस्ट अ वन और टू बैटर टीम. ट्विटर पे अरुण जेडी ने पूछा है कि इन केस ऑफ चेसिंग द टारगेट, हु डू यू थिंक एंड बिलीव विल बी द परफेक्ट फिनिशर फॉर टीम इंडिया. मेरे हिसाब से एक ऐसी प्लेयर है जो अभी तक इस वर्ल्ड कप में खेली नहीं है, जो इंडिया के लिए आगे जाके परफेक्ट फिनिशर बन सकती है, और वो है पूजा वस्त्रकार. बिग हिटिंग एबिलिटी है, वो ऑलराउंडर है, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है, और बॉलिंग इतना ऑन सॉन्ग नहीं है, इसलिए वो अभी टीम में जगह नहीं बना पाई है. मगर इफ शीज हैड अ लॉट ऑफ इंजरीज, शी इज कम बैक फ्रॉम दैट वेरी वेल, और गेम टाइम जैसे उनका बढ़ते जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आई एम श्योर हर बॉलिंग विल बी बैक. एंड शी इज द काइंड ऑफ प्लेयर जिनके पास वो पावर है फिनिशर में, जो आखिर में थोड़ा सा पुश जरूरी है ना, मतलब जंपिंग आउट ऑफ द एयरप्लेन वाला पुश, वो वाला पुश दे सकती है पूजा वस्त्रकार. एंड आई हैव फुल कॉन्फिडेंस कि आगे जाके शी विल प्ले अ बिग रोल इन इंडियाज T20 फ्यूचर. यूट्यूब पे विष्णु त्रिपाठी ने पूछा है कि वाई इंडिया इज नॉट एबल टू विन एनी ICC टूर्नामेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे आर नॉट एबल टू हैंडल प्रेशर इन नॉकआउट गेम्स और सम अदर रीजन. अब सवाल तो ठीक है, क्योंकि इंडियन वुमेन्स क्रिकेट चालू है 1970 से. 2005 में एक मौका था, 2017 में एक मौका था, 2018 में भी मैं कहूँगी मौका था,
why have Indian team not been able to win? I think the simple answer ye hai ki players mein koi kami nahi hai in terms of talent or in terms of ability to handle pressure. Wo ability aati kahan se? Maximum matches se, maximum training se. Wo training kahan milega? Jab aap unko professional support doge. Ab 2015 mein Indian team professional ban gayi, Indian team ko contracts mile. Just in 2 years, they reached the final of the World Cup. Give them some more time. They will 100% win an ICC tournament. Maybe in 2020 also. Twitter pe Somik Sahib ne pucha hai ki, do you think ICC can hashtag fill the MCG with one of India or Australia missing in the final? अगर इंडिया नहीं रहेंगे तो शायद अभी हो सकता है, मगर होम टीम का फाइनल में रहना आई थिंक इसके लिए बहुत जरूरी है. दैट सेड 50,000 से ज्यादा टिकट ऑलरेडी बिक चुके हैं. आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल में केटी पेरी परफॉर्म करेगी. सो इवन इफ योर फेवरेट टीम इज नॉट देयर, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो, मेलबर्न में हो, तो यार कृपा करके एमसीजी में जाइए. इट इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट म्यूजिक एंड देन क्रिकेट. बहुत ही हाई क्वालिटी टूर्नामेंट है, तो जो भी दो टीम्स पहुंचेगी फाइनल में उनको दे विल पुट अप अ ग्रेट शो, आई एम कॉन्फिडेंट. और जिस हिसाब से अभी सेमीफाइनल्स की प्रेडिक्शंस और वेदर के प्रेडिक्शंस हो रहे हैं ना, आई थिंक देयर इज अ स्ट्रांग चांस ऑफ एन इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल. दैट्स इट फॉर दिस क्यू एन ए हैशटैग आज स्नेहल में. आज इतना ही. वीडियो पसंद आया तो थम्स अप करो. अगर आपका सवाल का जवाब, आपके सवाल का जवाब मैंने दिया है तो नीचे कमेंट्स में मुझे बता दो. अगर आपके और सवाल हो तो रिप्लाई इन दीज कमेंट्स, मे बी आई विल आंसर इन द कमेंट सेक्शन फॉर लिटिल बिट वाइल फर्स्ट फ्यू कमेंटर्स. तो जरूर कमेंट करना एंड सेमीफाइनल्स विश द इंडियन टीम ऑल द वेरी बेस्ट. बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग एंड कम लर्न क्रिकेट विद स्नेहल. ऑन द वे इन टू द SCG है ये उनका फेमस वॉक ऑफ फेम, जहाँ पे रास्ते में सिडनी के लिए खेलने वाले, न्यू साउथ वेल्स के लिए खेलने वाले ग्रेट प्लेयर्स के नाम पे, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने वाले ग्रेट प्लेयर्स के नाम से यहाँ पे फ्लैग्स है, इंक्लूडिंग द ग्रेट मैन हिमसेल्फ. पीछे है SCG का फेमस रेड ब्रिक पवेलियन बिल्डिंग. ये पूरे बड़े से स्टेडियम जहाँ पे ऊंचे स्टैंड्स है, एक छोटा सा बिल्डिंग है, छोटा सा पवेलियन है, जो चेंज किया गया नहीं है. जो पुराना फीचर है ग्राउंड का वो बदला नहीं है. एंड इन देयर इज द एक्चुअल ग्राउंड, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली फिल्मिंग अलाउड नहीं है.